नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। और एक बार फिर आज नगर निगम के कमिश्नर साहब निकले हैं वार्ड के दौरे पर। कल वार्ड नंबर 5 के दौरे पर कमिश्नर साहब निकले थे, लेकिन नतीजा क्या कुछ निकलेगा वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन फिलहाल तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कमिश्नर साहब वार्ड नंबर 9 में पहुंचे हैं और पार्षदा जो है मेघा गोयल वो स्वागत करती हुई नजर आ रही है। दावा कमिश्नर साहब का यही है कि इलाके की जो समस्याएं हैं, इलाके में जो विकास के कार्य होने हैं, उनका दौरा करने के लिए मैं जा रहा हूँ। लेकिन ना तो कल पार्षद संतुष्ट नजर आए थे और ना ही जनता नजर आई थी। लेकिन फिलहाल तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वार्ड के जो कार्य हैं उनकी एक सूची जो है वो पार्षदों की तरफ से तैयार की गई है और वही कमिश्नर साहब देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि एसी दफ्तर से निकलकर कमिश्नर साहब ने शहर के दौरे की ठानी है। शहर के अलग अलग इलाकों का दौरा जो है वो कमिश्नर साहब करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल वार्ड नंबर 9 की जो पार्षदा हैं उनके कार्यालय की बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कमिश्नर साहब इलाके में पहुंचे हैं। इलाके की एक एक समस्या एक एक जगह से रूबरू करवाएंगी पार्षदा जो है वो, और देखने वाली बात यही होगी कि आखिर इलाज क्या निकलता है उन समस्याओं का, क्योंकि वार्ड नंबर 9 जो है वो सियासत का अखाड़ा भी क्यों बन चुका है और उसके साथ साथ समस्याएं जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रही हैं। क्योंकि लगातार इलाके की कल की अगर हम बात करें तो कमिश्नर साहब जो नालियाँ भरी हुई थी, नालियाँ जाम पड़ी थी, उनका ठीकरा जो है वो सीवेज सिस्टम पर फोड़ते हुए नज़र आए थे। लेकिन फिलहाल बाज़ार का दौरा जो है वो कमिश्नर साहब ने शुरू किया है और इस वक्त तस्वीरें आपको अम्बाला शहर के हनुमान मंदिर जो कि गुड़मंडी के नज़दीक है वहाँ से दिखा रहे हैं। और ब्यौरा जो है वो पार्षद पति पूरा अपने इलाके का देते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ से पैदल ही जो है कमिश्नर साहब दौरा करेंगे, लेकिन फिलहाल सड़कों का जायजा जो है, सड़कों को लेकर बातचीत यहाँ पर चलती हुई नज़र आ रही है। नालियों को लेकर बातचीत कमिश्नर साहब यहाँ पर पार्षद पति ईशु गोयल से करते हुए नज़र आ रहे हैं और फिलहाल आगे की तरफ कमिश्नर साहब बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। देखने वाली बात यही होगी कि इलाके की क्या कुछ समस्याएँ निकल कर कमिश्नर साहब के सामने आती हैं। लेकिन ये तस्वीर भी देख लीजिएगा कि किस तरह से नालियाँ जो हैं वो गंदगी से भरी पड़ी हैं, नालियाँ गंदगी से भरी पड़ी हैं। और दूसरी तरफ कमिश्नर साहब जो हैं वो भी कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं पार्षद को कि क्या कुछ जो समस्या है वो उसका कारण है। क्योंकि कल भी अगर हमने अभी भी हम देख रहे हैं कि रैंप जो है वो दुकानों के नालों के ऊपर बने हुए हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं समस्या का कारण बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल नालियों की तस्वीर भी एक बार आपको दिखाते हैं कि यही आलम पूरे अम्बाला शहर में है। नालियाँ कहीं पर भी साफ नहीं की जाती, किसी भी तरह की सफाई व्यवस्था जो है वो ठोस हम कह सकते हैं कि अम्बाला में नहीं है। लेकिन फिलहाल पार्षद महोदय को जो कमिश्नर साहब हैं वो समझाते हुए नजर आ रहे हैं और घूम फिराकर कल की तरह बात जो है वो आज भी कहीं ना कहीं सीवरेज सिस्टम पर जाती हुई नजर आ रही है। देख सकते हैं कमिश्नर साहब जो है वो बातचीत कर रहे हैं सीवरेज सिस्टम को लेकर, नालियां जो भरी हुई हैं उसे लेकर दोषी सीवरेज सिस्टम को ठहराया जा रहा है। सीवरेज सिस्टम ही नहीं, शहर की जनता पर दोष जो है वो लगाए जा रहे हैं कल से कि लोगों ने कनेक्शन नहीं लिया, इसलिए नालियों की ये हालत है। देखिए खुद नालियां दिखाते हुए कमिश्नर साहब नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कह रहे हैं दर्शकों को हम बता दें कि अगर नालियों के कनेक्शन जो है सीवरेज सिस्टम जो है लोगों ने अपना ले लिया, सीवरेज का कनेक्शन लोग लेंगे तो नालियों की ये हालत नहीं होगी। लेकिन यहाँ कमिश्नर साहब का ध्यान हम इस बात की ओर खींचना चाहेंगे कि अम्बाला का सीवरेज सिस्टम राजनीति का बड़ा मुद्दा रहा है। तो अगर लोगों की ये बार बार शिकायत आती है कि जब भी किसी ने सीवरेज का कनेक्शन करवाया है तो बरसाती सीजन में पानी जो है वो उल्टा बैग जो है लोगों के घरों में जाता है। लेकिन फिलहाल नालियों के जो पॉइंट्स हैं वो कमिश्नर साहब देखते हुए नजर आ रहे हैं। नालियों के ऊपर रैप जो है वो बने हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जब अम्बाला में बरसाती सीजन में जल भराव हुआ था तब थावड़ों को तोड़ने की बात कही गई थी, रैंप्स को तोड़ने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आई है। फिलहाल अगर बात करें तो सिर्फ कागजों में ही कमिश्नर साहब जो हैं वो एक्टिव नजर आ रहे हैं फिलहाल अगर अम्बाला की हम बात करें। लेकिन अब दो दिन से कमिश्नर साहब सड़कों पर उतरे हैं, इलाकों में उतरे हैं, तो वो भी देखेंगे कि क्या कुछ नतीजा निकल कर सामने आता है। लेकिन फिलहाल पार्षद महोदय पर कल की तरह जो है वो सीवरेज सिस्टम को लेकर जो है कमिश्नर साहब सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। नालियां सफाई व्यवस्था जो है वो मुद्दा बनी हुई है, हर इलाके का ये बेसिक मुद्दा है अम्बाला की। लेकिन फिलहाल तस्वीरों में देख सकते हैं कमिश्नर साहब इलाके का दौरा कर रहे हैं और इलाके में घूम फिराकर किसी भी मोड़ किसी भी नुक्कड़ पर खड़े हो जाएं तो तस्वीर जो है वो ऐसी ही सामने आती है कि या तो कहीं पर गटर खुले हैं, कहीं पर ढक्कन खुले हैं, और अगर वो उठाकर उन्हें देखा जाता है तो जो नीचे से निकलता है वो
है, गंदगी के बड़े बड़े ढेर, नाले जाम पड़े हैं, नालियां ब्लॉक पड़ी हैं, तो यही कारण होता है कि चंद बारिश की बूंदों में अंबाला जो है वो डूबने की कगार पर पहुंच जाता है। फिलहाल खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, और आपके इलाके में भी अगर इसी तरह की समस्याएँ हैं तो अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम को दिए गए नंबरों पर ज़रूर संपर्क कीजिए, ताकि जब कमिश्नर साहब आपके इलाके में दौरा करने आए तो हम इनसे जवाब मांग सकें और जान सकें कि आखिर क्या कुछ हल कमिश्नर साहब करवाएंगे, क्योंकि दौरे तो साहब ने शुरू कर दिए हैं लेकिन उन दौरों का नतीजा क्या निकलेगा। देखिए नालियां किस तरह से ब्लॉक पड़ी हैं, नाली के ऊपर थड़ा है, ये बिल्कुल जेन्युइन बात है। हम भी ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर इस तरह के रैंप्स नालों के ऊपर बना दिए जाएंगे तो सफाई मुश्किल है, लेकिन जितना हिस्सा खुला है उससे निगम के कर्मचारी अधिकारी सफाई करवा भी सकते हैं, आदेश दे सकते हैं सफाई कर्मचारियों की टीमों को कि आप सफाई करवाइएगा। सिर्फ सीवरेज सिस्टम पर बात डालने से साफ जिम्मेदारी नहीं टल जाती, आप लोग जब तक इसकी पूर्ण जिम्मेदारी नहीं लेते, अगर नगर निगम को सीवरेज के कनेक्शन करवाने हैं तो PWD के साथ आपको तालमेल बनाना होगा, ताकि जब कोई सीवरेज का कनेक्शन ले तो लोगों को समस्या का सामना बरसाती सीजन में ना करना पड़े, लोगों के घरों में गंदा पानी बैक ना जाए, ये व्यवस्था आपको ही दुरुस्त करनी होगी। लेकिन फिलहाल पूरे अंबाला की अगर हम बात करें तो सीवरेज सिस्टम जो है लगभग ठप होने की कगार पर है, ठप माना जाता है। फिलहाल नगर निगम के कमिश्नर को आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, लेकिन साहब के बिल्कुल पास ही कूड़े का ढेर, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए नाला किस तरह से भरा पड़ा है। अगर इस कूड़े की बात साहब करते हैं कि ये कूड़ा भी जो है वो सीवरेज में जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं जो खाना पूर्ति हम इसे कह सकते हैं कि एक फॉर्मेलिटी के तौर पर कमिश्नर साहब निकलने लगे हैं, क्योंकि देखिए जिस गली में गंदगी पड़ी है, ये गली जो है वो लंबे अरसे से हम देखते आ रहे हैं कि इस गली में गंदगी का आलम इसी तरह होता है। शहर का जो टॉकीज रोड है उस रोड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए सड़क पर ही कूड़े के ढेर, साफ पता चल रहा है कि जैसे ही लोगों को निगम के जो सफाई कर्मचारी हैं उन्हें पता लगता है कि साहब का दौरा है तो हल्की फुल्की गंदगी उठा दी जाती है। लेकिन नाली की तस्वीर जो है वो साथ साथ आपको नज़र आ रही है कि दूर खड़े ही साहब जो हैं वो दौरा कर रहे हैं, दूर से ही इशारा कर रहे हैं। नाली जो की है वो भरी पड़ी है पूरी तरह से, दोष जो है वो रैंप का निकाला जा रहा है कि ये रैंप ऊपर बना दिया गया, इसकी वजह से सफाई नहीं होती, इसकी वजह से नाला जो है वो छोटा पड़ गया है, ये नहीं निकल पाता, तो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ लोग भी कहीं ना कहीं ज़रूर दोषियाँ देख सकते हैं। आपके सामने नाली में जो है वो मिट्टी का ढेर स्थानीय लोगों द्वारा लगा दिया गया ताकि पानी एक तरफ से दूसरी तरफ ना जा सके, उसी की वजह से गंदगी जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से जमी हुई नज़र आ रही है। तो जहाँ दोषी नगर निगम है वहाँ ऐसे लोग भी दोषी हैं जो इस तरह से खुद नालियों में गंदगी डाल रहे हैं, भरी जो मिट्टी है वो डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर लोगों को भी संज्ञान लेना होगा और अधिकारियों से लगातार जवाब तलब किए जाते रहे हैं, चाहे सरकार है या फिर मीडिया की टीमें जो हैं वो लगातार अधिकारियों के सामने सवाल खड़ा करती हैं। तो सरकार के अधिकारी जो हैं वो फिलहाल जिस तरह से यही दोष ठहरा रहे हैं कि लोगों ने सीवरेज का कनेक्शन नहीं लिया है, लोगों ने सीवरेज से कनेक्टिविटी नहीं करवाई है, यही कारण है कि इस तरह का आलम जो है अंबाला में नज़र आ रहा है। लेकिन साहब जिस तरह से ये तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं, आप देख सकते हैं कि नगर निगम की टीमों के द्वारा ही ये जो नाला है वो कमिश्नर साहब की नज़र में आया है, यहाँ पर ढक्कन जो है वो हटा रखा है, किसी भी तरह का हादसा भी हो सकता है रात के वक्त, लेकिन हो सकता है सफाई कर्मचारियों ने ये ढक्कन जो है वो सफाई के लिए हटाया हो, लेकिन जिम्मेदारी बनती है कि इसे दोबारा ढक दिया जाए, और इसी को लेकर नाराज़गी कमिश्नर साहब जो हैं वो जताते हुए नज़र आ रहे हैं। दो दिन के दौरे हैं, दोनों दिन के दौरे में कुछ जो अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम ने चीज़ देखी है, जो हमें नज़र आया वो ये है कि अधिकारी जो हैं वो भी कमिश्नर साहब को गुमराह करते हुए नज़र आते हैं और कमिश्नर साहब गुमराह होते भी हैं, क्योंकि अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की जाती है, अधिकारियों से किसी क्षेत्र को लेकर जानकारी मांगी जाती है तो जानकारी पूरी तरह से कमिश्नर साहब को नहीं दी जाती, और देख सकते हैं आलम यही है पूरे शहर का, इस तरह के कूड़े के ढेर हर जगह नज़र आ जाते हैं और इस वक्त तो कमिश्नर साहब की नज़रों के सामने हैं। लेकिन फिलहाल बातचीत जो है वो पार्षद महोदय से कमिश्नर साहब कर रहे हैं और सफाई व्यवस्था का मुद्दा जो है, खाली प्लॉट्स का मुद्दा जो है वो उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। मुद्दा ये भी पार्षद की तरफ से उठाया जा रहा है, पार्षद पति की तरफ से, कि सफाई कर्मचारी रूटीन में यहाँ पर नहीं पहुँचते हैं, रूटीन में अगर सफाई कर्मचारी यहाँ पहुँचेंगे तो सड़कों किनारे जो ये कूड़े के ढेर लगे हैं ये नहीं लगेंगे। लाइव तस्वीरें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर आपको दिखा रहे हैं, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहिएगा, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिलहाल क्या कुछ बातचीत चल रही है वो एक बार आपको सुनवाते हैं। और वो काम कम करते हैं सर, कूड़ा कुछ करने की ज्यादा रखती है। हम रखती हूँ
तो देख सकते हैं आपके कमिश्नर साहब का दौरा चल रहा है और दौरे के बीच ही ये चीज देख सकते हैं आप ये तस्वीर कि शहर के बीचों बीच डेयरियां जो हैं वो भी चलती हुई नजर आ रही हैं। नगर निगम के आदेश हैं कि शहर में कोई भी डेयरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन साहब की नजरों के सामने डेयरी है और उसको लेकर कहीं ना कहीं सख्त आदेश और निर्देश अपनी टीम को देते हुए भी नजर आ रहे हैं, डेयरी संचालकों से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से अधिकारी जो है हो सकता है ऊपर के अधिकारियों को गुमराह करते हैं, क्योंकि शायद साहब को नहीं पता था कि शहर के बीचों बीच डेयरियां अभी भी चल रही हैं। लेकिन फिलहाल खाली प्लॉट्स की जो बात हम कर रहे थे वो देख सकते हैं कि कूड़ा जो है वो सामने पड़ा है और क्या कुछ कह रहे हैं खाली प्लॉट्स को लेकर वो सुनवाते हैं आपको। म्युनिसिपल एक्ट के अंदर ये दे रखा है कि आपने चार दीवारी कर ली और सैनिटेशन करना अपने एरिया का, और जो भी उसको पैसा लगता है उसका एनडीसी को डाल दो, हाउसटैक्स में जोड़ दो। लाइव तस्वीरें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर आप देख रहे हैं, गंदगी के बड़े बड़े ढेर जो हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं, लोग शिकायत कर रहे हैं उसकी और कमिश्नर साहब जो हैं वो अधिकारियों से जवाब भी तलब कर रहे हैं। लेकिन कल जिस तरह से पार्षद राजेश मेहता ने बताया था कि वो 30% संतुष्ट थे इनके दौरे से, उम्मीद उन्हें नहीं है कि कुछ भी रिस्पॉन्स इस दौरों से निकल कर सामने आएगा, तो अभी भी शायद हालात जो हैं वो बदलने की हम उम्मीद ज़रूर करते हैं। लेकिन जिस तरह से अधिकारियों का रवैया है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है, वो संतोषजनक नहीं है। फिलहाल शहर के कमिश्नर जो हैं नगर निगम वो निकले हुए हैं दौरे पर, आप देख सकते हैं लोग जो हैं उन्हें रोक रोक कर अपनी समस्याएं बता रहे हैं। स्थानीय लोग जो हैं वो बता रहे हैं कि इलाके में किस तरह की सफाई व्यवस्था है, क्या कुछ यहां पर स्थिति बनी हुई है। फिलहाल पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को जो है वो मौके पर बुलाने की बात भी कही जा रही है। लेकिन ये नज़ारा देखिए, ये तस्वीरें जो हैं वो बड़े सवाल खड़े करती हैं अपने आप में शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर। सीवरेज सिस्टम पर दौरा जो है कमिश्नर साहब का सिमट जाता है, सीवरेज सिस्टम की बात पर कमिश्नर साहब जो हैं वो विराम लगा देते हैं कि सीवरेज सिस्टम लोग लें, उसके बाद जो नालियों की हालत है वो सुधरेगी। लेकिन ये जो नालियां भरी पड़ी हैं ये कहीं ना कहीं कमिश्नर साहब की टीम जो है उन्हें ही सफाई कर्मचारियों से साफ करवानी है ताकि आने वाले दिनों में लोगों को इस गंदगी से निजात मिल सके। खबर को शेयर जरूर करते रहिएगा। ये तस्वीरें देख सकते हैं जैन स्कूल के नज़दीक से, ऐसे जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है उसके नज़दीक से तस्वीरें दिखा रहे हैं और लोगों की नाराज़गी जो है वो व्यवस्था को लेकर साफ झलकती हुई नज़र आ रही है। लोग कहीं ना कहीं परेशान ज़रूर हैं, चाहे वो सफाई व्यवस्था हो या फिर इस तरह की पानी की निकासी की समस्या हो, उसको लेकर लगातार लोगों की नाराज़गी अधिकारियों को भी झेलनी पड़ती है। और उसके साथ साथ जो पार्षद हैं इलाके के वो भी फिलहाल देख सकते हैं लोग जो हैं वो पूरी तरह से अपना रोष कमिश्नर साहब के सामने व्यक्त कर रहे हैं, समस्या अपनी बताते हुए नज़र आ रहे हैं। तो खबर को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि जब भी कमिश्नर साहब आपके इलाके में आएँ तो आपको भी जानकारी उसकी मिल सके और इलाके की जो समस्याएँ हैं वो आप लोग कमिश्नर साहब के संज्ञान में ज़रूर पहुँचा सके। लेकिन फिलहाल सड़कों की हालत भी जो है वो कमिश्नर साहब से अब छुपी नहीं है। यहाँ पर कार्य ज़रूर किया गया होगा, कुछ ना कुछ कोई पाइपलाइन ज़रूर डाली गई होगी, लेकिन उसके बाद सड़क पर ना तो पैच लगाए जाते हैं ना ही सड़क की रिपेयर की जाती है, और वही समस्या जो है वो पार्षद इस समय बताते हुए नज़र आ रहे हैं। ईशू गोयल, मेघा गोयल के जो पति हैं वो इलाके की समस्याएं कमिश्नर साहब से डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अधिकारियों से कमिश्नर साहब जो हैं जवाब तलब करते हुए नज़र आ रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन बात वही है कि निकल कर नतीजा क्या सामने आएगा वो बड़ा सवाल है। लोग जो हैं वो पूरी तरह से बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि क्या यहाँ पर कार्य हुए थे, क्या कुछ हुआ था, किस उसके बाद किस तरह से टूटी हुई सड़क छोड़ दी गई। लेकिन सड़कों के बाद तस्वीरें जो आज कमिश्नर साहब का बार बार ध्यान खींच रही है वो इस तरह की तस्वीरें हैं जो कि नालियों में आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े जो बैग्स हैं वो नालियों में भरे पड़े हैं, वो साफ़ नहीं किए जाते। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं अधिकारियों को संज्ञान ज़रूर लेना होगा। और फिलहाल पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, क्या कुछ बातचीत चल रही है वो सुनवाते हैं आपको एक बार। सर जो नीले रखे थे वो ही करेगा? नहीं मैंने लिया नहीं ना सर, मेरे 3 मिनट से देखो जाके बना दिया वो सारा बैग उस दिन रखा था। हां सर ऐसे बोल रहे हैं ये तो सारा बैग आ रहा था। तो ये कपड़े से ये तो रोड में से बिल करते 10 दिन तो आता नहीं कोई सकता।
आप है ना, एक टीम बनाओ, एक वार्ड लोग, एक वार्ड के अंदर यही बगरे सबको चेक करके आए, एक जगह ड्यूटी लगा दो वार्ड वाइज, सारे घर तक चेक करेगा, सारे सक्षम लगा दो उनके साथ। सर हमने 248 नोटिस, ठीक है सर, आज हमने लेटर लिखा क्योंकि हम उनको फाइन कम कर सकते हैं, वो तो ये टीम दे देंगे जी, दे दो एक जी। आपके पास अधिकार है, पानी काटो ना, तो पानी बंद करो, कलेक्शन कट जाएंगे, कट जाएंगे उस एरिया में, पूरा काट दो, ऐसे थोड़ी होगा, एनफोर्स तो आपको ही करना है। सर बहुत सारे अनऑथराइज कनेक्शन है पानी के भी, भैया वो रेगुलराइजेशन के लिए आपके अंदर पॉलिसी है, ये करवाओ ना यार। नहीं सर, कनेक्शन काटने में फिर वही क्या दिक्कत होगी, क्या वो पानी अपना थोड़ेगा फिर लेने का, तो मना थोड़ी करें, कोई अंदर को इतना जल्दी नहीं जुड़ जाएगा, एक बार उनको बोल दो ना पानी कनेक्शन काट दिया, नहीं करवाऊंगा पहले मनोटी करा दो, टाइम दो, हफ्ते का टाइम दे दो, टाइम देना दो, ये आरोप नहीं करना है। तो पानी के कनेक्शन काटने की बात यहाँ पर कमिश्नर साहब ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को कही है, कहा है कि जो भी सीवरेज का कनेक्शन नहीं लेता उसके पानी के कनेक्शन काट दिए जाएं। विधायक के साथ साथ ग्रीवेंस कमेटी की बात करते हुए कमिश्नर साहब नजर आए हैं, तो कुल मिलाकर सफाई नहीं होती, सफाई व्यवस्था ठप है, सफाई व्यवस्था जो है बुरी तरह से बिगड़ी हुई है, इसका पूरा दोष जो है वो फिलहाल पीडब्ल्यूडी विभाग पर थोपा जा रहा है कि आप लोग लोगों के कनेक्शन जो हैं वो सीवरेज सिस्टम के साथ जोड़िए, अगर कोई नहीं कनेक्शन लेता तो पानी का कनेक्शन जो है वो जरूर काट दीजिएगा। इस तरह की बात, इस तरह के सख्त आदेश जो है नगर निगम कमिश्नर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को देते हुए नजर आए हैं, लेकिन फिलहाल इलाका जो है वो न्यू शिवालिक कॉलोनी का है और भरी हुई गंदगी जो है वो देख सकते हैं कि कमिश्नर साहब को भी जो है वो देखकर जरूर कहीं ना कहीं शर्म जरूर आ रही होगी कि इस तरह की सफाई व्यवस्था उनके शहर में उनके अधीन आने वाले कर्मचारी और अधिकारी जो है वो करवाते हैं, तो ये बड़ी ही कहीं ना कहीं लापरवाही की बात जरूर है। खाली प्लॉट्स हैं, उनमें पानी भरा पड़ा है, के एक्ट में बहुत से प्रावधान हैं कि खाली प्लॉट्स की चारदीवारी भी करवाई जाएगी, सफाई भी करवाई जाएगी, लेकिन लोग सफाई जरूर करवा लेंगे अपने लेवल पर, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि नालियां जो हैं उनसे गंदगी जो है वो सड़कों पर आती हुई भी नजर आ रही है। सीवरेज सिस्टम की बार बार कमिश्नर साहब यहां पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब लोग कनेक्शन लेंगे तब व्यवस्था सुधरेगी, क्या आपको इसी चीज का इंतजार है? लेकिन बड़ा बात यही है कि आप जब तक सीवरेज सिस्टम को लोगों को कनेक्शन नहीं मिल जाते तब तक आप क्या करेंगे, ये सवाल इस समय खड़े हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल बातचीत जो है वो पार्षद से लगातार कमिश्नर साहब कर रहे हैं, इलाके की समस्याएं जो हैं वो शेयर की जा रही हैं, लेकिन सिर्फ समस्याएं शेयर करना ही जो है वो इलाज नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है, उन पर क्या कुछ एक्शन टीम लेती है, कमिश्नर साहब के दौरे का क्या कुछ रिजल्ट निकल कर आता है वो बात मायने रखती है। लेकिन फिलहाल इलाके की तस्वीरें देख सकते हैं कि जिस तरफ भी साहब की नज़र जा रही है वहाँ गंदगी के ढेर तो बड़ी ही कॉमन सी बात हो गई है, ब्लॉकेज जो नालियों की है वो बड़ी कॉमन सी बात हो गई है, लेकिन फिलहाल महिलाएं जो हैं वो भी अपनी समस्या लेकर इस इलाके की पहुँची हैं, स्ट्रीट लाइट हो या नालियों की बात हो या सड़कों की बात हो वो यहाँ पर की जा रही है कि क्या कुछ हालत है वो बताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं आप कि कमिश्नर साहब जो हैं वो सीधे लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं और घूम फिरा कर यहाँ पर भी सीवरेज का बात जो है वो रखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं कमिश्नर साहब का दौरा जो है वो कुल कर कल और आज की हम बात करें तो सीवरेज सिस्टम तक जो है वो सिमटा हुआ नजर आ रहा है, या तो कमिश्नर साहब हम ये कह सकते हैं कि ये सोचकर निकलते हैं कि लोगों को जो सीवरेज के कनेक्शन है वही दिलवाना एक पॉइंट जो है सॉल्यूशन है, तो शायद ऐसा नहीं है क्योंकि अंबाला का सीवरेज सिस्टम किस तरह से ठप है, क्या कुछ हालत है वो सभी जानते हैं, लेकिन कमिश्नर साहब का दौरा जारी है, लोगों की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है, लोग क्या कह रहे हैं एक बार वो भी सुनिए। कमिश्नर साहब तो मैंने मिला, ये जो ईशु गोयल जी मिले हैं उनको मैंने अपनी समस्या बताई है, लेकिन अब समाधान कभी ना हुआ है और शायद लगता नहीं मेरे को होएगा, उन्होंने अपना नंबर भी दे दिया है, पर आज ये हालत है कि गलियों की सफाई नालियों की सफाई खुद को करनी पड़ रही है। सर कमिश्नर साहब कह रहे हैं लोगों ने सीवरेज के कनेक्शन नहीं करवाए इसलिए नालियां जा रही हैं। सर वो हमारी ड्यूटी नहीं है ना, वो तो उन्हीं की है, भाई इतनी पुरानी कॉलोनी हो चुकी है अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ, तो हम तो यही लगे रहेंगे सारा दिन, सारा टैक्स भी दियो म्युनिसिपल कमेटी को, हर चीज़ दियो और सफाई करने के लिए हम खुद दिए, इवन कि उनको भी पैसे देते हैं जो जमादार रहते हैं उनको भी पैसे देते हैं, हम 50 रुपये महीना देते हैं, वो अलग है जी। वो तो अलग है।
तो सुन सकते हैं आपकी, आलम यह है कि लोग ये कहने पर भी मजबूर हैं कि सफाई उन्हें खुद करनी पड़ती है। कमिश्नर साहब का इलाके में दौरा है, उसका कोई फायदा नहीं होगा, लोगों का यही कहना है। और कहीं ना कहीं सफाई व्यवस्था को लेकर पार्षद से तो नाराज हैं ही, निगम के सफाई कर्मचारियों से भी लोग निराश हैं। लेकिन फिलहाल जो है नजारा आपको दिखा रहे हैं कि लोगों ने खुलकर नाराजगी जाहिर की है। लोग कह रहे हैं कि सफाई कर्मचारी नहीं आते, खुद नालियां जो है उन्हें साफ करनी पड़ती हैं। तो शायद इन्हीं अच्छे दिनों का वादा बीजेपी ने जरूर किया होगा, और उसी को लेकर जो है हम कह सकते हैं कि सरकार भले ही प्रयास कर रही है, लेकिन अधिकारियों और कर्मचारियों की वजह से सरकार की खूब किरकिरी भी जो है वो होती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल तस्वीरें जो कमिश्नर साहब जो है वो यहां पर पार्क में एक में पहुंच चुके हैं, इलाके के वार्ड नंबर 9 में एक बड़ा ही हम कह सकते हैं कि सुंदर पार्क जो है वो बनाया गया था, और उसी को देखकर जो है कमिश्नर साहब के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी जो है वो जरूर आई थी। लेकिन पार्क की अंदरूनी तस्वीरें क्या हैं वो भी हम चाहेंगे कि कमिश्नर साहब जरूर देखें। पार्क के अंदर, पार्क के पीछे की साइड क्या कुछ आलम बना हुआ है वो तस्वीर साहब को जरूर देखनी चाहिए कि किस तरह से जनता के नाम लिए पार्क तो बना दिया गया लेकिन उसकी मेंटेनेंस किस तरह से की गई है वो तस्वीर जरूर देखने को बनती है, क्योंकि इस समय बारिश की जो है हल्की फुल्की जो बूंदाबांदी है वो भी लगातार जारी है। और ये देख सकते हैं ये नजारा पार्क का है, ये पार्क की हालत देख सकते हैं आपकी कैसी बनी हुई है। अगर इस तरह के पार्क जनता को समर्पित करने हैं तो हो सकता है बेहतर यही होगा कि ऐसे पार्क जो है वो बंद कर दिए जाएं। पार्क में जो हम कह सकते हैं वॉकवेज बनाए गए हैं उन पर पानी जो है वो जमा है, काई जमी हुई नजर आ रही है, और घास देख सकते हैं कमिश्नर साहब खुद जो है वो नाराज जो है वो नजर आ रहे हैं, नाराजगी अपनी जाहिर करते हुए कमिश्नर साहब यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर कुछ लोग जो है वो स्थानीय पहुंचे हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपनी बातचीत रखते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या कुछ कमिश्नर साहब जो है वो यहाँ पर उनसे बात कर रहे हैं और किस तरह से लोग अपनी बात जो है वो यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर पार्क की साफ सफाई किस तरह से की जाए, किस तरह से पार्क की मेंटेनेंस की जाए, उसको लेकर पॉइंट रखा जा रहा है। लेकिन पार्क की हालत जो है वो काफी दयनीय यहाँ पर बनी हुई है, काफी पार्क की हालत जो है आप देख सकते हैं लोग खुलकर बताते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से लोग सफाई कर्मचारी जो है वो नहीं पहुंचते हैं, पार्क की जो मेंटेनेंस के लिए राशि है वो कहीं ना कहीं जारी नहीं की गई है काफी समय से। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर करनी पड़ रही है कमिश्नर साहब के सामने। और फिलहाल पार्क में देख सकते हैं आप कमिश्नर साहब पार्क का दौरा करते हुए भी नजर आ रहे हैं, लाइव तस्वीरें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करते रहिएगा, और फिर आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरह से अब नाराजगी जो है वो कमिश्नर साहब की हम कह सकते हैं खुलकर जाहिर हो रही है, क्योंकि ये हालत जो है वो किसी भी सूरत में कोई भी अधिकारी जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन साहब के सामने ही ये हालत है, अगर पहले दफ्तरों से निकले होते तो शायद आलम सुधर जाता बरसाती सीजन से पहले, लेकिन फिलहाल पार्क जो है वो काफी ज्यादा हम कह सकते हैं कि बिल्कुल बिगड़ी हुई स्थिति में पहुंच चुका है। लोग यहां पर बेशक आते होंगे लेकिन लोगों को मन मारकर यहां पर पहुंचना होता होगा, लोग जब यहां पर आते होंगे तो लोगों का दर्द जो है दुख वो भी होता होगा। लेकिन फिलहाल कमिश्नर साहब जो है अपने अधिकारियों से पार्क की अव्यवस्थाओं को लेकर जवाब तलब कर रहे हैं, वो सुन लीजिए जरा। देखिए आपके सामने भी यहाँ पर जितने भी लोगों ने हमने देखा वहाँ पर, लोगों को सबसे पहले तो जागरूक होना चाहिए, और जागरूक होके सीवर में कनेक्शन, सरकार ने सीवर में कनेक्शन सीवर बनाया इसीलिए सीवर में कनेक्शन लेने के लिए, तो उसमें लें पहली बार। जहाँ कोई आपको शिकायत आती है कि सीवर में कनेक्शन नहीं हो रहा या फिर वहाँ चोक्ड है, तो वो संबंधित मतलब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों को बताइए या पब्लिक हेल्थ के कराइए, एक लैंडलाइन भी दे रखी है इनके पास, हेल्पलाइन भी है, नहीं तो आप सीएम विंडो में ग्रीवेंस भी लगाइए ताकि आपकी, और अब तो सरल के अंदर ये एक आरटीएस के अंदर भी है, ठीक है, तो आप अप्लाई करेंगे तो तुरंत उनको करना भी है ये। इसीलिए आप लोगों से सबसे पहले नम्र निवेदन है कि आप लोग अपना सीवर में कनेक्शन भेजें। जहाँ तक गलियों का बारे में है, गलियों में आपने पूरी जगह मैंने आपको दिखवा दिया, कहीं पे भी गलियों के बारे में कोई शिकायत नहीं है। रहा बात तीसरा नाले का, जहाँ पर जो नाला कटा हुआ रखा है उसके बारे में हमने डायरेक्शंस दे दिए, बाकी आपने देखिए कि कहीं पे भी रोड की कोई शिकायत नहीं है, कभी भी लाइटिंग की कहीं शिकायत नहीं है। ये शिकायत और शिकायत सेवल किसकी सी, रोड ऐसे हैं जहाँ सीवर कवर ही कर दिया गया, पता ही नहीं है नहीं, आप अभी आप जिस रोड पे आप जो बता रहे हैं वहाँ पर सीवर का कनेक्शन ऊपर है, कहीं ऐसा कवर नहीं किया गया, कोई भी मेरे को ऐसी रोड नहीं मिली जिसमें कि कवर कर दिया गया, वो आपने मौके पे देख लिया था, वो आगे सीवर लाइन है वहाँ पर। सर खाली प्लॉट्स में गंदगी और डेयरियां भी, देखिए इसमें इसके लिए दो लोग खुद जिम्मेदार हैं जो कि शहरों में डेयरी चला रहे हैं,
हमने खतौली के अंदर और अलग से प्लॉट दे रखे हैं, वहाँ पर अपना शिफ्ट करते नहीं। सर ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन ने उनको नोटिस दे दिया और उनको अब सख्त कार्रवाई इस हफ्ते से चालू हो जाएगी। एनक्रोचमेंट सब किया हुआ है लोगों ने, देखा आपने, देखा होगा हर गली मोहल्ले में। नहीं देखिए, वो कुछ जो एनक्रोचमेंट है वो तो हमने देख लिया, जिसके कारण से नालों में पानी नहीं आ रहा, उसको तो हमने तोड़वाने के तुरंत निर्देश दे दिए हैं, तो वो 2-3 दिन के अंदर ये टीम लग के तोड़वाएगी। पानी की कनेक्शन हमने इनको कहा है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि सीवर में कनेक्शन नहीं ले रहा, तो आप संबंधित में अगर बनता है कि पानी का कनेक्शन काट दिया जाता है, तो आप रूल के अनुसार कार्रवाई कीजिए। अगर हमने इस बारे में एनजीटी में इतना तरह से डाल दिया है कि भाई अगर ये सीवर में कनेक्शन नहीं लेते तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए। सर लोगों की शिकायत है कि सफाई कर्मचारी पर घर से पैसे लेते हैं 100 रुपये। देखिए, जो भी इनकी तरफ से शिकायत आई है उसको पहले तथ्य में चेक किया जाएगा, कोई सत्य है या नहीं है। हो सकता है कि सफाई कर्मचारी के नाम से, हो सकता है कोई दूसरा बंदा भी ले, तो पहले अगर कोई शिकायत है उसको तथ्य में जाना चाहिए, तथ्य में जाके फिर हम उसकी कार्रवाई करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। ईश्वर जी, आज कमिश्नर साहब ने आपके वार्ड का दौरा किया, संतुष्ट हैं या नहीं, क्योंकि समस्याएं बहुत थी, उल्टा आप लोगों के ऊपर ही जो थोपते हुए वो नजर आए। ऐसा जी, मैं आपको कहना चाहूंगा, कमिश्नर साहब का दौरा था, ठीक था, लेकिन दौरा कहीं मुझे ना वो सीवरेज में ही थमा हुआ लगा। हमने सड़क की बात की, वो कहते सीवरेज कनेक्शन लो। मैंने उनसे एक बात पूछी कि जो सीवरेज कनेक्शन हुए हैं वो तो चल ही रहे हैं, वो तो बैक मार रहे हैं, तो नए की बात करते हुए वो नजर आए। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है न्यू वैली कॉलोनी के अंदर जो 3 गलियां हैं वो बनवाने का कार्य किया जाए, और पीएनबी बैंक से लेकर ताकिज रोड और जो विजय वल्लभ स्कूल वाला रोड है उस नाले का निर्माण कराया जाए, ताकि पानी की बड़ी भारी समस्या है। 2500 से 3000 लोग उस कॉलोनी में रहते हैं और वो बारिश पानी में डूबते हैं। तो लाइट्स कहते हुए वो नजर आए कि पूरी तरह से सही है, स्ट्रीट लाइट्स है ही नहीं जिन एरियो में, उसके लिए उनसे पूछा, कह रहे वो तो भी ठेका होना है, जब होगा तब दी जाएगी, और जो खराब है उसके लिए आप कंप्लेंट कीजिए, ठीक करा दी जाएगी। क्या लगता है कुछ रिजल्ट निकलेगा इस दौरे के बाद? मुझे तो कुछ रिजल्ट पॉजिटिव नजर आया नहीं है, मैं इससे कोई ज्यादा संतुष्ट नहीं हूँ। जो कमिश्नर साहब सिर्फ और सिर्फ सीवरेज को लेकर ही बोलते नजर आए और सड़कों को नालियों की तरफ उन्होंने कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया।